नमस्कारम दोस्तों, प्रतिदिन ध्यान करने के जो सबसे अच्छे फायदे हैं उनको हम समझते हैं। दोस्तों, ध्यान करने से होता क्या है? सबसे पहले ध्यान करने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो कचड़ा भरा पड़ा है वो कचड़ा निकलने लगता है, हमारे दिमाग की सफाई होने लगती है। और जब हमारे दिमाग की सफाई होने लगती है तो हमारा मन बहुत हल्का होने लगता है। दोस्तों, दिन भर में 60 से 65 हजार विचार हमारे मन में आते हैं। उनमें से बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं जो बहुत कष्ट देने वाले होते हैं, जो बहुत अरुचिकर होते हैं। और वो विचार हमारे पहले तो दिमाग में घूमते रहते हैं और बाद में वो हमारे दिमाग की भीतरी परतों में चले जाते हैं। और एक महीने में ऐसे बहुत सारे विचार जो अरुचिकर हैं, जो कष्ट देने वाले हैं, पीड़ा देने वाले हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं। और दोस्तों, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साल में इस तरह के ना जाने कितने विचार हमारे भीतरी मन में जमा हो रहे होते हैं। और उन विचारों का, जो कचड़ों का ढेर भीतर इकट्ठा हो रहा होता है, उसमें जब सड़न पैदा होती है तो उसकी दुर्गंध हमारे जीवन में आने लगती है। और इस तरह के विचारों की दुर्गंध से हमारा ही जीवन नहीं, हम जिसके भी संपर्क में जाएंगे उसको भी हमारी वो दुर्गंध महसूस होगी। तो ध्यान की निरंतरता से क्या होता है कि जो विचार आज हमारे मन में उत्पन्न हुए वो विचार हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं, और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो उन विचारों की सफाई होने लगती है। मतलब वो विचार वहीं के वहीं साफ हो जाते हैं, वो हमारे भीतरी मन तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जब इस तरह के विचार जब हमारे भीतरी मन तक नहीं जाते हैं तो हमारा मन बहुत साफ सुथरा रहने लगता है, और साफ सुथरा मन बहुत बलवान होता है। दोस्तों, हमारे शरीर का भारीपन हमें कष्ट नहीं देता है, मन का जो हमारा भारीपन है। और वो भारीपन क्यों है? वही सड़े गले विचार जो सदियों से इकट्ठे होते चले आ रहे हैं, वो हमारे मन से चिपके हुए हैं, उनका मैल हमारे मन में भरा हुआ है, उन्हीं का भारीपन हमारे जीवन को भारी बनाए हुए है, हमारे जीवन की गाड़ी को बहुत कष्टकर बनाए हुए है। यदि हम निरंतर ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर जो सड़े गले विचार भरे पड़े हैं वो निकलने लगते हैं, और इस तरह से हमारा जीवन बहुत ही निर्मल, पावन और सुगंधित बनने लगता है। धन्यवाद।